Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to talk about another important basic topic, which is mathematical proofs. So मैथमेटिक्स में हम काफी सारे थियोरम्स देखते हैं, काफी सारे स्टेटमेंट्स हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, इस तरीके के काफी सारे थियोरम्स वी सी. सो जब भी हमें कोई थियोरम या कोई स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए बोला जाता है, तो देर आर डिफरेंट मेथड्स दैट वी कैन यूज. काफी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे वी कैन यूज द मेथड ऑफ डायरेक्ट प्रूफ, इनडायरेक्ट प्रूफ, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन. सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक इन डिटेल व्हाट ईच ऑफ दीज मेथड ऑफ प्रूफ इज. सो जैसे डिफरेंट डिफरेंट आगे अब आप डिफरेंट थियोरम्स पढ़ोगे, तो उनको प्रूव करने के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करके उन थियोरम्स को प्रूव कर सकते हो. सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ यू लाइक द काइंड ऑफ वीडियोस दैट आई एम मेकिंग, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इन टू द वीडियो. ऑल राइट, सो टॉपिक फॉर टूडे इज गोइंग टू बी मैथमेटिकल प्रूफ. सो मैथमेटिकल प्रूफ पढ़ने से पहले वी वुड लाइक टू नो वेन डू वी प्रूव थिंग्स, या कब हम लोग चीजों को प्रूव करना शुरू करते हैं. ठीक है, सो अगर मैं कोई भी एक मैथमेटिकल थियोरम को देखूं, सो थियोरम में मेनली दो स्टेटमेंट्स होती हैं. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इज एवरी मैथमेटिकल थियोरम कैन बी फॉर्म्यूलेटेड एज फॉलोज. तो कोई भी मैथमेटिकल थियोरम जो हम पढ़ते हैं, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P implies Q. इन आर प्रीवियस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट इम्प्लीकेशन, प्रोपोजिशन, लॉजिक. So if you have not watched that video, you can go to the previous video and watch that. And if you're comfortable, you can keep continuing this video. So कोई भी एक मैथमेटिकल थ्योरम है, उसको हम P implies Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी एक थ्योरम होती है, तो हमें काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए होते हैं कि अगर ये हो, अगर वो हो, देन क्या होता है, एक और चीज होती है, विच इज Q. सो P इज वॉट. So, जब भी हम एक थ्योरम के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो पी क्या है? अ सीरीज ऑफ प्रोपोजिशंस. व्हाट इज अ प्रोपोजिशन? प्रोपोजिशन आर स्टेटमेंट्स विच कुड बी ट्रू और फॉल्स. सो इन द इफ यू आर स्टिल नॉट यू नो श्योर व्हाट इज प्रोपोजिशन, यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो विच इज ऑन लॉजिक्स. सो पी जो है वो या तो खुद एक प्रोपोजिशन होगी या मल्टीपल प्रोपोजिशंस होंगी. ठीक है, तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि P इज वॉट वी नो, जो हमें पता है, वॉट वी नो. ठीक है, सो यूजुअली कोई भी एक थ्योरम होगी, उसमें एक हिस्सा P होगा, एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, या वो सारे स्टेटमेंट्स जो हमें पता है, एंड देन देर विल बी अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स. सो अनदर पार्ट ऑफ अ थ्योरम वुड बी वॉट क्यू इज अ सीरीज ऑफ प्रोपोजिशंस. इसको हम लोग बोलते हैं, जो जो पी वाले सीरीज ऑफ प्रोपोजिशंस है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमाइस. प्रिमाइस मतलब एक स्पेशल नाम है कि प्रिमाइस क्या है, व्हाट इज द प्रिमाइस ऑफ द थ्योरम. ठीक है, ऐसे ही अ सीरीज ऑफ प्रोपोजिशन या सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स जो फॉर क्यू होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कंक्लूजन्स. सो और इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो? व्हाट वी वांट टू नो. व्हाट वी वांट टू नो. ओके, सो कोई भी एक मैथमेटिकल थ्योरम होगी, इट विल बी सम स्टेटमेंट्स जो हमें पता है. सो अगर ये होगा, वो होगा, ये होगा, तो क्या होगा. सो ये होगा, वो होगा, जो स्टार्टिंग में जो सीरीज ऑफ प्रोपोजिशंस है, जो हमें पता होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमाइस. एंड इफ प्रिमाइस अगर सही होता है, देन हम लोग बोलते हैं कि ये सारे कंक्लूजन्स ट्रू होंगे. ठीक है, तो कोई भी एक थ्योरम को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, अब जैसे अः
अब हो सकता है कि आपकी थ्योरम इस तरीके की ना होके, पी इम्प्लाइज क्यू ना होके इस तरीके की हो सकती है, दैट पी इफ एंड ओनली इफ क्यू. सो व्हाट वुड दिस मीन? अगर इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट व्हाट द स्टेटमेंट्स मीन, यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो विच इज ऑन लॉजिक. ओके, सो दिस इज नथिंग बट पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी. सो ये इस तरीके से सोच सकते हैं कि हमारे पास दो थियोरम्स हैं, एक पी इम्प्लाइज क्यू, एक क्यू इम्प्लाइज पी. सो इसको इस तरीके से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं. दिस कैन बी ट्रीटेड एज टू थियोरम्स. सो कोई भी थियोरम में अगर आपको पी इफ एंड ओनली इफ क्यू हो, तो आपको उसको दो बार प्रूव करना पड़ेगा. एक बार पी इम्प्लाइज क्यू, ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करना पड़ेगा, और एक बार प्रूव करना होता है कि क्यू इम्प्लाइज पी. ठीक है, सो अब क्या क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं चीजों को प्रूव करने के. सो वी विल टेक अप एन एग्जाम्पल जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके से प्रूव करके भी देखेंगे कि चीजों को किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं. बट वॉट आर द जनरल वेज इन विच यू कैन प्रूव थिंग्स? ठीक है, सो पहला तरीका जो है, द फर्स्ट मेथड दैट यू कुड यूज टू प्रूव अ थ्योरम इज डायरेक्ट प्रूफ. डायरेक्ट प्रूफ. ओके, सो सबसे पहले तो मैं आई वुड लाइक टू स्टेट अ क्वेश्चन हियर, स्टेट अ क्वेश्चन हियर, और उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग मेथड जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके तरीके से प्रूव करेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज माय स्टेटमेंट? माय स्टेटमेंट इज एक्स स्क्वेयर प्लस 5x - 4 इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन 0. सो ये मेरी, आप मतलब फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हो कि ये एक पी इम्प्लाइज क्यू स्टेटमेंट है. ठीक है, तो हमने ये भी देखा था, कोई भी एक थ्योरम होती है वो भी एक पी इम्प्लाइज क्यू स्टेटमेंट होती है. तो इस स्टेटमेंट में मेरी प्रेमाइस क्या है? दिस इज माई प्रेमाइस. एंड वॉट इज दिस स्टेटमेंट? दिस स्टेटमेंट इज माई कंक्लूजन. ठीक है, दिस इज माई कंक्लूजन, दिस इज माई कंक्लूजन, दिस इज माई प्रेमाइस. सो ये मेरी अगर ट्रू होगी देन ये मेरी ट्रू होगी, ये वाली स्टेटमेंट. ठीक है, सो हमें क्या करना है, जो जो अलग अलग मेथड्स ऑफ प्रूफ हम पढ़ रहे हैं वो मेथड ऑफ प्रूफ लगा के हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है. अभी हमें ये स्टेटमेंट सिर्फ दी है कि इफ दिस इज ट्रू देन दिस विल नेसेसरीली बी ट्रू, पी इम्प्लाइज क्यू. ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है कि भाई ये सच में ऐसा है, और मैं सिर्फ किसी की बात पे भरोसा नहीं कर रही हूँ. ठीक है, सो वी विल एज वी गो अलोंग, एज वी लर्न द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रूविंग, वी विल अंडरस्टैंड हाउ विल वी प्रूव ईच ऑफ दी स्टेटमेंट. ओके, दिस इज नथिंग बट कंक्लूजन. ऑल राइट, ठीक है, सो डायरेक्ट प्रूफ एक तरीका है प्रूफ करने का. अब डायरेक्ट प्रूफ क्या होता है? व्हाट इज डायरेक्ट प्रूफ? डायरेक्ट प्रूफ में क्या करते हैं, हम लोग हमारी प्रिमाइस से शुरू करते हैं. व्हाट इज माय प्रिमाइस? माय प्रिमाइस इज -x² + 5x - 4 इज ग्रेटर देन 0. सो मेरी जो पी इक्वल्स टू क्यू में जो पी स्टेटमेंट है वो मेरी प्रिमाइस है. सो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट विद प्रिमाइस, स्टार्ट विद प्रिमाइस. सो प्रिमाइस से स्टार्ट करते हैं, एंड प्रिमाइस से शुरू करके लॉजिकल स्टेप्स में चलते चलते कुछ भी ऑपरेशंस करके हम फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं. सो डायरेक्ट प्रूफ इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप प्रिमाइस को सही मान के, सो पी इम्प्लाइज क्यू को हम किस तरीके से प्रूव करेंगे कि अगर पी ट्रू है तो क्यू डेफिनेटली ट्रू होगा, तब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है ट्रू होगी. राइट, जब ये थ्योरम जो है अप्लाई, लाइक इट्स अ ट्रू थ्योरम, लाइक इट्स अ वैलिड थ्योरम. तो हम लोग क्या करें, वी विल स्टार्ट विद प्रिमाइस, वी विल स्टार्ट विद पी. हमें पता है कि पी ट्रू है, सो अगर पी ट्रू है तो क्या मेरा कंक्लूजन ट्रू आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो दैट मीन्स वी हैव प्रूव द थ्योरम. सो डायरेक्ट प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद प्रिमाइस, प्रिमाइस पी, एंड देन वी वर्क फॉरवर्ड टू द कंक्लूजन क्यू, टू द कंक्लूजन
क्यू। तो हम लोग पी से शुरू करते हैं और फिर हम कुछ कुछ ऑपरेशंस, कुछ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं और हम फाइनली क्यू पे पहुंच जाते हैं कि भाई हम यहाँ से स्टार्ट किए थे हमने और फिर हम क्यू पे पहुंच गए हैं कि क्यू भी ट्रू है। ठीक है, सो अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए, इफ वी हैव टू प्रूव दिस दैट दिस इंप्लाइज दिस, सो हम इसको प्रूव किस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट मेथड से, एक बारी वो देखते हैं। सो अब मेरी स्टेटमेंट क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x-4 इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये मुझे प्रूव करना है, प्रूव दिस स्टेटमेंट। सो व्हाट, हाउ विल आई प्रूव इट? सो डायरेक्ट प्रूफ में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेमाइस से स्टार्ट करेंगे। माई प्रेमाइस इज वॉट, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x-4 इज ग्रेटर देन 0। अब इस सिर्फ ये पता है मुझे, अब इससे मुझे फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचना है, विच इज एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, दिस इज माई ऑब्जेक्टिव, ये मेरा काम है, ये मुझे करना है। ठीक है, सो अगर मुझे ये दिया हुआ है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अगर दोनों साइड जो है, अगर मैं दोनों साइड एक सेम नंबर ऐड करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी इनइक्वालिटी वैलिड रहेगी। सो इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इनइक्वालिटीज, यू कैन वॉच माई प्रीवियस लेक्चर ऑन इनइक्वालिटीज। सो वी हैव डन ऑल दीज लेक्चर्स प्रीवियसली, ताकि, क्योंकि ये बार बार कॉन्सेप्ट हमारे यूज होंगे आगे रिपीटेटिवली, इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू डू द बेसिक्स फर्स्ट। ठीक है, ऑल राइट। सो मैं बोथ साइड्स क्या ऐड करना चाहती हूँ, आई विल ऐड 4+x² दिस साइड एंड 4+x² दिस साइड एज वेल। ठीक है, तो मैंने दोनों साइड ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, सो -x² + 5x-4 इज ग्रेटर देन 0। मैंने यहां से शुरू किया था, फिर यहां से हम अगले स्टेप पे कैसे पहुंचे, हमने दोनों साइड 4+x² ऐड कर दिया। सो जब आप इसको ऐड करोगे सो यहाँ पे 4 और -4 कैंसिल हो जाता है और x² एंड -x² कैंसिल हो जाता है। तो इस साइड, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास बच गया 5x इज ग्रेटर देन, अब यहाँ पे 0 के जगह है 0+4+x², सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 4+x², राइट। हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, चलो अब मुझे पता है कि x² कोई भी एक स्क्वायर टर्म है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, राइट। सो x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो आई नो दिस। ओके, सो x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ओके, सो अब मैं दोनों साइड अगर 4 ऐड करना चाहूं तो ऐड कर सकती हूँ, सो x² + 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यस और नो, डू यू गाइज अग्री? ओके, सो x² + 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि x² + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड दिस लाइक 5x इज ग्रेटर देन दिस नंबर। सो हमने डबल इनइक्वालिटीज में देखा था, अगर मैं इस पूरी स्टेटमेंट को लिखना चाहूं तो मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, 5x इज ग्रेटर देन 4+x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, राइट। मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, सो हम यहाँ के बाद जो है, सो आफ्टर दिस स्टेप इट इज दिस, सो आफ्टर दिस स्टेप इट इज दिस एंड देन वी से दैट दिस इंप्लाइज 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो अब इस पूरी स्टेटमेंट का क्या मतलब है, 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, राइट। और मैं दोनों साइड अगर एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना चाहूं तो कर सकती हूँ, सो मैंने दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दिया, राइट। सो हियर आई हैव x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5। ठीक है, सो अगर x greater than equal to 4/5 है तो मतलब x is greater than 4/5 एंड 4/5 is greater than 0, राइट, क्योंकि 4/5 इज अ पॉजिटिव नंबर, सो दिस इज ग्रेटर देन 0, राइट। सो मेरा x जो है दैट विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 0, राइट। सो ये तो एक ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट है और ये जो है थोड़ी कम स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट है, सो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट x is greater than 0। x की वैल्यू 0 से बड़ी तो है ही ना, x की वैल्यू 4/5 से भी बड़ी है, सो ये तो और स्ट्रिक्ट चीज हो गई। ठीक है, सो मैंने क्या किया, हमने यहां से शुरुआत की,
और हम एंड में किस स्टेप पे आ गए, दैट एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सो ये मेरी प्रिमाइस थी। ठीक है, और मैं अपने प्रिमाइस को पे काफी सारे ऑपरेशंस कर करके एंड में एक ऐसे स्टेप पे पहुंच गई जो कि मेरा कंक्लूजन था। ठीक है, सो हेंस प्रूव्ड। सो हमने प्रूव कर दिया दैट व्हेनेवर दिस इज ग्रेटर देन जीरो, दिस वुड मीन दैट एक्स इज डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सो दिस इज डायरेक्ट प्रूफ कि आप प्रिमाइस से स्टार्ट करो और आप कंक्लूजन पे पहुंच जाओ। ठीक है, ऑल राइट। अब दूसरा तरीका क्या है प्रूफ का? दूसरा तरीका जो है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सो द सेकेंड मेथड दैट वी हैव हियर इज इनडायरेक्ट प्रूफ। कई बार डायरेक्ट प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमारे पास एक और तरीका है प्रूफ करने का, विच इज इनडायरेक्ट प्रूफ। इनडायरेक्ट प्रूफ क्या होता है? इनडायरेक्ट प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं, वी बिगिन बाय सपोजिंग दैट क्यू इज नॉट ट्रू। क्यू इज नॉट ट्रू, सो हम मान लेते हैं कि हमारा कंक्लूजन ट्रू नहीं है। सो हमारी जो थ्योरम थी वो क्या थी, पी इंप्लाइज क्यू। सो हम इनडायरेक्ट प्रूफ जब करना शुरू करते हैं तो हम मान लेते हैं कि भाई क्यू ट्रू नहीं है, और अगर क्यू ट्रू नहीं है तो सो हम कुछ कुछ फिर ऑन दैट बेसिस व्हाट डू वी डू, वी डेमोन्स्ट्रेट दैट पी कैन नॉट बी ट्रू। कि अगर क्यू ट्रू नहीं है तो पी भी ट्रू नहीं होगा, राइट? सो हमारी स्टेटमेंट क्या थी, हम इनडायरेक्ट प्रूफ जब करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि मान लेते हैं कि क्यू ट्रू नहीं है, और अगर क्यू ट्रू नहीं है तो पी भी ट्रू नहीं होगा। अगर ये आ गया तो मेरा प्रूफ हो गया। अब ये प्रूफ कैसे हुआ देखो, अब जब भी हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं ना, पी इंप्लाइज क्यू, ये स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट बोलना क्या, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, राइट? अब आप देखो, पी इंप्लाइज क्यू का क्या मतलब है कि अगर पी ट्रू है तो क्यू जो है ट्रू होगा ही होगा, राइट? तो मतलब अगर क्यू ट्रू नहीं है, इफ क्यू इज नॉट ट्रू देन पी कैन ऑल्सो नॉट बी ट्रू, क्योंकि अगर पी ट्रू हो गया तो क्यू को ट्रू होना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे मान लिया कि क्यू ट्रू नहीं है, तो अगर क्यू ट्रू नहीं है तो पी भी ट्रू नहीं हो सकता। सो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट जो है, दे आर इक्विवेलेंट। सो अगर ये बोल दिया तो ये तो होगा ही होगा, और अगर ये हो गया तो ये तो होगा ही होगा। दीज आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। ओके, दीज आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। ठीक है, ये हमारा बेसिस है इनडायरेक्ट प्रूफ करने का। ठीक है, ऑल राइट। सो पी इंप्लाइज क्यू चाहे या तो डायरेक्टली ये बोल दो या तो फिर नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी बोल दो, ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट बराबर है। अब इसका अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स से माई एग्जाम्पल इज इट इज रेनिंग। वन ऑफ माई स्टेटमेंट इज इट इज रेनिंग, एंड वेन इट रेन्स इट इंप्लाइज दैट द ग्रास इज गेटिंग वेट। ठीक है, सो दिस इज माई स्टेटमेंट पी, दिस इज माई स्टेटमेंट क्यू। ठीक है, सो जब भी पी ट्रू होगा क्यू डेफिनेटली ट्रू होगा, राइट? सो इसका क्या मतलब है, इट इज रेनिंग, सो वेन एवर इट रेन्स दैट मीन्स द ग्रास विल ऑलवेज गेट वेट वेन एवर इट इज रेनिंग। ठीक है, सो जब भी रेन होगा, वेन एवर पी इज ट्रू, क्यू विल डेफिनेटली बी ट्रू। ठीक है, अब सो दिस इज पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है,
सो हमने क्या बोला, दैट पी इंप्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू. सो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी. सो इनका कहना क्या है कि अगर ये ट्रू है तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? सो नॉट क्यू, नॉट क्यू क्या हो गया हमारे इस केस में? क्यू इज वॉट? द ग्रास इज गेटिंग वेट. मतलब नॉट क्यू इज वॉट? द ग्रास इज नॉट गेटिंग वेट. ठीक है, सो द ग्रास इज नॉट गेटिंग वेट. इम्प्लाइज नॉट पी. वॉट इज नॉट पी? नॉट पी मतलब पी वॉज वॉट? इट इज रेनिंग. नॉट पी मतलब इट इज नॉट रेनिंग. इट इज नॉट रेनिंग. ठीक है, सो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, पी इंप्लाइज क्यू एंड नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, दे आर इक्विवेलेंट. मतलब ये अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा. तो अगर आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो, ये पहली स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया कि क्यों ट्रू है, कि जब भी रेन करता है तो भाई बाहर जो घास है वो तो गीली होगी. ठीक है, अब इसका ये जो अदर साइड है वो क्या है कि अगर बाहर घास गीली नहीं हो रही है तो इसका मतलब है इट इज नॉट रेनिंग, क्योंकि जब भी रेन करता है द ग्रास हैज टू गेट वेट, एंड इफ द ग्रास इज नॉट गेटिंग वेट दैट मीन्स इट इज नॉट रेनिंग. ठीक है, दैट इज वाई. अब ये एग्जाम्पल है कि ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है. सो इसका मतलब क्या है? पी इंप्लाइज क्यू एंड नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, ये दीज आर इक्विवेलेंट. ठीक है, सो इनडायरेक्ट प्रूफ जब हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं. सो हम लोग क्या करते हैं? वी अज्यूम नॉट पी, वी अज्यूम नॉट क्यू. हम लोग मान लेते हैं कि क्यू जो है ट्रू नहीं है. सो नॉट क्यू, देन पी विल ऑल्सो बी नॉट ट्रू, लाइक इट विल बी ऑपोजिट. सो नॉट क्यू मान लो और नॉट पी प्रूव कर दो तो भी आपका जो है प्रूफ हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द इनडायरेक्ट प्रूफ वे. सो इसमें क्या करते हैं? वी सपोज दैट क्यू इज नॉट ट्रू. हम बोल देते हैं कि क्यू इज नॉट ट्रू. सो क्यू का नॉट क्यू हो गया. ऑन दैट बेसिस नॉट क्यू मान के फिर हम कुछ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं और फिर एंड में हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? नॉट पी. अगर ऐसा आ गया तो हमारा काम हो गया, हमने वो चीज प्रूव कर दी. क्योंकि अगर आपने नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी प्रूव कर दिया, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू यू प्रूविंग पी इम्प्लाइज क्यू. वो ही जो है आपको चीज प्रूव करनी थी. ठीक है, सो अब हम लोग इसको प्रूव करते हैं. ठीक है, अब जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और इसको प्रूव करते हैं. ठीक है, सो मेरा क्वेश्चन क्या था? -x²+5x-4 is greater than 0. दिस इम्प्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन 0. सो अब मुझे ये प्रूव करना है यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड. ठीक है, सो दिस इज माई पी, दिस इज माई क्यू. अब मुझे इनडायरेक्ट मेथड से प्रूव करना है, तो मैं इनडायरेक्ट मेथड में क्या करती हूँ? आई अज्यूम दैट नॉट क्यू इज ट्रू. मतलब क्यू इज नॉट ट्रू, बेसिकली मैं मानती हूँ कि क्यू इज नॉट ट्रू. सो सपोज क्यू इज नॉट ट्रू. अब क्यू इज नॉट ट्रू का क्या मतलब है? क्यू इज वॉट? एक्स इज ग्रेटर देन 0. क्यू इज नॉट ट्रू का क्या मतलब है? एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0. इसका उल्टा है, राइट? सो मैंने क्या माना? दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0. सो आई सपोज दिस, मैंने ये मान लिया है. अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद मैं आगे की स्टोरी करती हूँ और फिर मैंने अगर नॉट पी, अगर मैंने ये जो माना था इससे मेरा नॉट पी अगर आ गया, अगर इससे मेरा ये प्रूव हो गया दैट -x²+5x-4 is less than equal to 0, अगर मैं ये प्रूव कर देती हूँ तो मेरा प्रूफ इज कंप्लीट. ठीक है, क्योंकि मैंने नॉट क्यू माना था और मैंने नॉट पी प्रूव कर दिया तो मेरा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, सो हम चलते हैं कि हम क्या ये प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट. सो अब मैंने मुझे पता है दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, ऑल राइट. अब मैं दोनों नंबर्स को एक पॉजिटिव, दोनों साइड अगर एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, राइट? सो मैंने दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो 5x ये लेस देन इक्वल टू 0, राइट? और मैं दोनों साइड एक सेम नंबर ऐड भी कर सकती हूँ, यस और नो? सो मैं दोनों साइड क्या ऐड करती हूँ? -x²-4. सो मैंने दोनों साइड क्या ऐड कर दिया? दिस इम्प्लाइज
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस फाइव एक्स, मैंने दोनों साइड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर ऐड किया, ठीक है। सो इसको, सॉरी मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फोर इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर। मैंने दोनों साइड ये जो है नंबर ऐड कर दिया, तो मेरी इनइक्वालिटी सेम रहेगी, राइट। ओके, अब मुझे और क्या चीजें पता है, मुझे पता है कि अब देखो ये मेरा वही एक्सप्रेशन आ गया जो पी में था, ठीक है। अब मुझे बस ये प्रूव करना है दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो, दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो, दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव, राइट। देखो अब मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। और अब अगर मैं दोनों साइड एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, राइट। क्योंकि हमने इनइक्वालिटी का जो लेक्चर किया था उसमें हमने यही बात की थी। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट काइंडली वॉच दैट, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट बार बार जो है रिपीट होते रहेंगे। सो मैंने अगर माइनस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू जीरो, राइट, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। और फिर मैंने दोनों साइड माइनस फोर अगर मैं ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज लेस देन इक्वल टू माइनस फोर, राइट। सो दिस नंबर इज लेस देन इक्वल टू माइनस फोर, राइट। सो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, अगर मैं इसको और इसको कंबाइन करना चाहूं, सो व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फोर इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर विच इज लेस देन इक्वल टू माइनस फोर विच इज वॉट वी हैव प्रूव्ड। सो इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो नंबर है ये माइनस फोर से या तो माइनस फोर होगी या माइनस फोर से छोटी होगी, एंड माइनस फोर इज व्हाट, इट इज लेस देन जीरो, राइट। माइनस फोर इज अ नेगेटिव नंबर। सो मैंने बेसिकली क्या प्रूव कर दिया, मैंने प्रूव कर दिया दैट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फोर इज लेस देन, इट इज लेस देन व्हाट, इट इज लेस देन जीरो, राइट। या मुझे यही प्रूव करना था दैट दिस विल बी नॉट पी, राइट। नॉट पी हो गया मेरा, दिस इज नॉट पी, लाइक जो मेरा रिजल्ट आया है दिस इज नॉट पी, राइट। यस, सो आई हैव प्रूव दैट दिस इज नॉट पी, ठीक है। सो मैंने नॉट क्यू से शुरू किया था और नॉट पी जो है मेरा रिजल्ट आ गया, ठीक है। ऑलराइट, सो हमने वहां से स्टार्ट किया था, एंड सो लाइक इधर हम लोग दिस माइनस फोर इज ऑब्वियसली लेस देन जीरो तो है ही, बट मैं लेस देन इक्वल टू जीरो भी लिख सकती हूँ बिकॉज माइनस फोर इज लेस देन इक्वल टू जीरो, राइट। सो दिस होल टर्म इज माइ लेस देन इक्वल टू जीरो, सो दिस इज एग्जैक्टली द नॉट पी पार्ट। सो लास्ट टाइम जब हमने सिर्फ इक्वल सिर्फ लेस देन लगाया था तो हम लोग एक नंबर मिस कर रहे थे विच वॉज जीरो, सो दिस इज नॉट पी, ठीक है। सो आई स्टार्टेड विद वॉट, आई स्टार्टेड विद नॉट क्यू एंड आई लैंडेड अप एट नॉट पी, हेंस प्रूव्ड, हेंस आई प्रूव्ड दैट दिस वुड इम्प्लाई दिस, ठीक है। बिकॉज पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, ठीक है। सो ये दूसरा तरीका है विच इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूविंग, ठीक है। अब एक फाइनल तरीका हमारे पास, एक आखिरी तरीका है विच इज व्हाट, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। सो थर्ड मेथड दैट वी हैव इज प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, अब प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन की फिलॉसफी क्या है, उसमें हम लोग क्या करते हैं। सो हम लोग मान लेते हैं, सपोज इफ वी हैव अ प्रोपोजिशन, आर एंड वी कैन डिराइव अ कॉन्ट्राडिक्शन, on the basis of supposing that R is false, then it follows
दैट आर इज ट्रू। ठीक है, अब ये इसकी फिलॉसफी क्या है एक बार ही वो समझते हैं। सो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन की जो फिलॉसफी है वो क्या कहती है कि सपोज आपके पास एक प्रोपोजिशन, आपके पास एक स्टेटमेंट है आर, ठीक है, और अगर आप ये मान लेते हो थोड़ी देर के लिए कि आर इज फॉल्स, आर इज नॉट ट्रू, आप मान लेते हो आर इज फॉल्स। सो आपने आर इज फॉल्स मान लिया, आर इज फॉल्स मानने के बाद आपके पास एक ऐसा रिजल्ट आ गया कि एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब, कॉन्ट्राडिक्शन इज अ स्टेटमेंट विच के नॉट हैपन। मान लो 1 इक्वल्स टू 0, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दे के नॉट बी इक्वल। 1 कैन बी इक्वल टू 1, 0 कैन बी इक्वल टू 0, 1 के नॉट बी इक्वल टू, सो लाइक 1 इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। सो अगर मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि आर इज, सो मैंने माना कि आर इज फॉल्स, और आर फॉल्स मान के मेरे पास ऐसी कोई स्टेटमेंट आ गई 1 इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि आर फॉल्स नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही हम आर को फॉल्स मान रहे हैं एक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ठीक है। सो अगर वो हमने कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दिया तो उसका क्या मतलब हुआ कि आर फॉल्स नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनमें हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, दे के नॉट बी ए कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है कि अगर आर फॉल्स मान रहे हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, और कॉन्ट्राडिक्शन अवॉइड करना है। कॉन्ट्राडिक्शन अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट हैपन, सो इफ कॉन्ट्राडिक्शन कैन नॉट हैपन दैट मीन्स आर शुड हैव बीन ट्रू। आर की वैल्यू ट्रू होती तभी जाके कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट आर इज ट्रू, ठीक है। ये फिलोसफी जो है आगे हम लोग यूज करते हैं इन द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अभी हम लोग जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सो जब प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन करना है तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो स्टेटमेंट है पी इम्प्लाइज क्यू, राइट, हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू होता है। सो जब हम कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमें पता है क्या होना चाहिए, वेन एवर पी इज ट्रू क्यू हैज टू बी ट्रू, ये मेरी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मान लेती हूँ पी इज ट्रू बट क्यू इज नॉट ट्रू, बट क्यू इज नॉट ट्रू, बट अगर ये वाली चीज पूरी की पूरी करेक्ट है, बिकॉज हमें थ्योरम प्रूव करनी है, तो थ्योरम प्रूव करनी है, तो अगर पी ट्रू है तो क्यू हैज टू बी ट्रू, बट मैंने मान लिया कि क्यू ट्रू नहीं है, मैंने मान लिया क्यू ट्रू नहीं है, तो मैंने मान लिया क्यू ट्रू नहीं है, तो उससे क्या हो गया, मेरे पास अगर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ऐसी स्टेट, ऐसा कोई रिजल्ट आ गया जो हो नहीं सकता, दैट कैन नॉट हैपन, दैट मीन्स मैंने ये जो माना है दैट क्यू इज नॉट ट्रू, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, आई शुड नॉट हैव अज्यूम्ड दैट, व्हाट आई हैव अज्यूम्ड इज रॉन्ग, सो इंस्टेड ऑफ क्यू नॉट बीइंग ट्रू क्यू इज ट्रू, ठीक है। सो पी इज ट्रू इम्प्लाइज क्यू इज ट्रू, ये जो है मेरा रिजल्ट प्रूव हो गया, ठीक है। दिस इज माई मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अब मैं इसको जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसको यूज करके हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। सो वॉट इज माई एग्जाम्पल, माई एग्जाम्पल इज आई हैव टू प्रूव -x² + 5x - 4 इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो जब मुझे मेथड प्रूफ करना है बाय कॉन्ट्राडिक्शन, तो मैं क्या कह रही हूँ कि सपोज ये तो ट्रू है बट ये ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रू नहीं होने का मतलब है कि अगर ये ट्रू है और ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा एक्स है विच इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो कोई एक कम से कम एक एक्स को एक, सो हम लोग क्या मान रहे हैं, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ठीक है। ये हमने मान लिया कि ये चीज सही है, इम्प्लाइज दिस इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब इफ एक्स को, एक्स इज नॉट ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो लेस देन इक्वल टू 0 होगी, तभी ये नॉट ट्रू होगा। अगर सारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स ये चीज ट्रू है, बट मुझे नॉट ट्रू मानना है, तो कोई एक वैल्यू होगी एक्स की सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट। सो दिस इज ट्रू एंड देर इज वन वैल्यू विच इज ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, ऑल राइट। सो अगर मुझे दिया हुआ है एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, और मुझे, मैंने क्या माना हुआ था, दिस इज ट्रू, ठीक है, एंड दिस इज नॉट ट्रू। सो अगर एक्स इज लेस देन 0, ठीक है, तो मैंने जो, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ये मान के आगे स्टेप पे बढ़ती हूँ और मैं देखती हूँ कि क्या मुझे कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट्स अ पॉजिटिव नंबर सो इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम, सो 5x इज लेस देन इक्वल टू 0
एंड मैंने बोथ साइड्स क्या ऐड कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, राइट? सो दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी डिड इन द इनडायरेक्ट प्रूफ मेथड. सो वहां से मेरे पास क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4. सो आई एम नॉट डूइंग दो स्टेप्स, यू कैन यू नो सी द प्रीवियस स्टेप्स, बट हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है? सो जो वो एक नंबर है विच इज लेस देन इक्वल टू 0, उसके लिए ये वाली स्टेटमेंट जो है वैलिड है, विच इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट? बट हमने क्या माना है कि भाई वो जो एक्स है उसके लिए ये चीज भी ट्रू है. ये चीज एंड ये चीज साथ में तो ट्रू नहीं हो सकती. कोई एक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 0 एक साथ तो नहीं हो सकता. दीज आर डिसजॉइंट थिंग्स, राइट? सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन कि कोई एक नंबर ग्रेटर देन 0 भी है और लेस देन इक्वल टू 0 भी है, ये नहीं हो सकता. दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. सो इफ दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट मीन्स शायद कहीं ना कहीं जो चीज मैंने अज्यूम की है उसमें दिक्कत थी. सो मैंने क्या अज्यूम किया था, मैंने अज्यूम किया था दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट? सो देयर इज अ प्रॉब्लम विद माय अजम्पशन, हेंस एक्स इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0, इट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है? इस तरीके से हमने प्रूव किया है कि मैंने शायद कुछ गलत अज्यूम कर लिया था, इसलिए मेरे पास एक गलत रिजल्ट आ रहा है. सो कमी कहाँ थी, जो मैंने अज्यूम किया था. वो जो अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम किया था. इसका मतलब क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, दिस इज माय मेथड ऑफ प्रूविंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है? सो ये जो भी मेथड्स हमने देखे हैं, डायरेक्ट प्रूफ, इनडायरेक्ट प्रूफ एंड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, इन सबको बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग. सो प्रूफ बाय डिडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव रीजनिंग कि आप लॉजिकल स्टेप्स वन बाय वन आगे बढ़ के डिडक्शंस निकाल रहे हो, लॉजिकली यू आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेप टू अदर अनदर, दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग. सो जो तीनों मेथड है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ये सब जो है डिडक्टिव रीजनिंग के मेथड्स हैं, ठीक है? एक और रीजनिंग का मेथड होता है इंडक्टिव रीजनिंग. इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक फिनोमिना ऑब्जर्व कर रहे हो, दो तीन बार आपने देखा है कि वो हुआ है, अ फ्यू टाइम्स और मेनी टाइम्स यू हैव सीन दैट हैपनिंग, और बेस्ड ऑन दैट ऑब्जर्वेशन यू से कि ओके दिस इज ट्रू. सो मैथमेटिक्स में यूजुअली इंडक्टिव रीजनिंग को वैलिड नहीं माना जाता है. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, राइट? सो अगर आप चाहे 1000 ट्राइंगल्स के लिए ये चीज चेक कर लो कि उनके सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, चाहे 1 मिलियन कर लो, बट फिर भी इससे ये प्रूफ तो जनरली नहीं होता है ना कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, क्योंकि क्या पता कोई एक निकल के आ जाए जिसमें 180 ना हो. सो आप जनरल ऑब्जर्वेशन के बेस पे कोई चीज को प्रूफ नहीं मान सकते, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, ठीक है? सो जनरल ऑब्जर्वेशन, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होगी कि मान लो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है. सो पिछले 10 साल से महंगाई बढ़ रही है, तो जो 11वां साल है अगला साल उसमें भी बढ़ेगी. ये एक इंडक्टिव रीजनिंग हो गई कि आप ऑब्जर्वेशन को जनरलाइज कर रहे हो, ठीक है? बट मैथमेटिक्स में यूजुअली दिस इज नॉट अ वैलिड मेथड ऑफ रीजनिंग और प्रूविंग, ठीक है? सो दिस इज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू डिस्कस फॉर टूडेज लेक्चर. आई होप यू एंजॉयड इट, एंड इफ यू डिड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कुड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद पीपल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और फॉर हू सो एवर इट इज रेलिवेंट. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अनदर बेसिक टॉपिक. सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर.